सारे असद और गुलाम के शव पुलिस और परिजनों के वाहन ने बारा टोल प्लाजा पार किया है। तो कानपुर से अपडेट आ रही है और आज असद और शूटर गुलाम के शव प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कानपुर से अपडेट है कि पुलिस और परिजनों के वाहन बोरा टोल प्लाजा को पार कर चुके हैं। तो देर रात एम्बुलेंस के जरिए असद और शूटर गुलाम के शव को प्रयागराज लाया जा रहा है। प्रयागराज में ही कसारी मसारी कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार होगा। तो कानपुर से ये बड़ा अपडेट, असद इनकाउंटर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे। कानपुर से आगे काफिला निकल चुका है। एम्बुलेंस के जरिए असद और गुलाम के शव प्रयागराज लाए जा रहे हैं और आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों का अंतिम संस्कार होगा। और झांसी से बड़ी खबर आपको बता दें, असद और गुलाम का शव रवाना, लेकिन परिजन रवाना हुए हैं, कड़ी सुरक्षा के बीच में रवाना हुआ शव। तो देर रात झांसी से दोनों के शव रवाना हुए थे, लेकिन बड़ी अपडेट ये अभी की कि कानपुर से आगे ये काफिला निकल चुका है और कुछ ही घंटे बाद दोनों के शव प्रयागराज पहुंच जाएंगे। देखिए ये तस्वीरें हैं, झांसी से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर की ये तस्वीरें हैं। एम्बुलेंस के जरिए दोनों के शव को बाहर प्रयागराज लाया जा रहा है। रात के ठीक 1:30 बज चुके हैं। असद और गुलाम का पार्थिव शरीर झांसी मेडिकल कॉलेज से रवाना होने वाला है और लगभग 9 घंटे की कवायद खत्म होती हुई नजर आ रही है। और देखिए किस तरीके से सबसे आगे पुलिस की गाड़ी, उसके पीछे पुलिस की जीप, बुलेरो के पीछे जीप और उसके पीछे वो दोनों एम्बुलेंस, वही एम्बुलेंस जिसमें पहले में असद के पार्थिव शरीर को रखा गया है। इस एम्बुलेंस में असद के फूफा मौजूद हैं, दो वकील का पैनल मौजूद है और ठीक उसके पीछे जो दूसरी एम्बुलेंस है उसमें गुलाम के पार्थिव शरीर को भी रखा गया है और साथ में लगभग 5 से 7 गाड़ियां, 20 से ज्यादा जवान, 20 से लेकर 24 दो दर्जन जवान। और इस कवायद की शुरुआत कब हुई थी? इस कवायद की शुरुआत हुई थी तकरीबन 9 घंटे पहले, जब 6:17 पर असद के फूफा यहां पहुंचे थे, जो यहां पर आपको नजर आ रहा है। दरअसल ये मेडिकल कॉलेज है झांसी का, जहां पे आवाजाही नजर आ रही है और यहीं पर ही असद के फूफा पहुंचे 6:30 के आसपास। दो वकील का पैनल पहुंचा, कागजी कार्रवाई की शुरुआत हो गई। 7:15-7:30 के आसपास फूफा चले जाते हैं और कहा जाता है कि वो अपना रोजा खोलने के लिए गए हैं। 9:30 के आसपास का वक्त था कि जब जो दूसरा शूटर है, असद का साथी है, वो यानी गुलाम के परिवार वाले पहुंचते, गुलाम के साला पहुंचता है, उसके ननियाल के लोग पहुंचते हैं और 10 बजे के आसपास तक वो यहां पर बने रहते हैं। उसके बाद आने वाले 2 से 3 घंटे शांति और उसके बाद लगभग 12:20 का वक्त था कि जब दोनों एम्बुलेंस इसी गेट के अंदर गई थी और पुलिस वालों को आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले यहां से रवाना हो रहे हैं, जो अभी तक इस गेट की सुरक्षा कर रहे थे। 12:28 असद के फूफा दोबारा अपने दोनों वकील साथियों के साथ पहुंचते हैं और उसके ठीक 1 घंटे बाद यानी रात के 1:30 असद का पार्थिव शरीर यहां से रवाना हो गया है और अब प्रयागराज लेकर जाया जाएगा। प्रयागराज जहां की दूरी लगभग 7.5 घंटे है, 8 घंटे अगर बीच में एक बार रुकते हैं तो मान के चलिए यानी सुबह की पहली किरण के साथ प्रयागराज पार्थिव शरीर पहुंच जाएगा, जहां पर असद के वालिद के वालिद यानी असद के दादा के साथ उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के। जर्नलिस्ट सुभाष चंद के साथ राहुल डवास, न्यूज़ स्टेट झांसी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे, एक तरफ देर रात काफिला जिस एम्बुलेंस से असद और शूटर गुलाम का शरीर शव लाया जा रहा है वो काफिला कानपुर से आगे निकल चुका है, अपडेट ये। दूसरी तरफ प्रयागराज में कब्र भी दोनों की तैयार की गई है, कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही दोनों को सुपुर्दे खाक किया जाएगा, दोनों की कब्र को तैयार कर लिया गया है।
तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, दो तस्वीरें, एक तरफ असद का शव देर रात निकल चुका है कानपुर से, आगे एक काफिला एम्बुलेंस का काफिला जो है वो निकल चुका है। दूसरी तरफ प्रयागराज में कब्र भी तैयार कर ली गई है जिसमें असद और उस्मान को, गुलाम को सुपुर्द खाक किया जाएगा। योगी सरकार का माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन लगातार जारी, और इसी क्रम में अतीक और अशरफ पर लगातार शिकंजा भी कसा जा रहा है। अतीक और अशरफ ने पुलिस की कस्टडी डिमांड में दोनों हैं और दोनों ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे भी किए हैं। क्या है पूरा मामला दिखाते हैं। महेश पाल हत्याकांड में माफिया ब्रदर्स अतीक और अशरफ पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। लंबी पूछताछ के बाद माफिया ब्रदर्स को प्रयागराज से कौशाम्बी और फतेहपुर ले जाया गया। इस दौरान उनकी निशानदेही पर पूर्व प्रधान के ठिकाने से हथियार बरामद किए गए। असलहे की बरामदगी के बाद प्रयागराज लौटते वक्त कॉल्विन जिला अस्पताल में अतीक और अशरफ का मेडिकल कराया गया। इस दौरान असद के एनकाउंटर पर पहली बार अतीक के भाई अशरफ का बयान सामने आया है। उसने कहा है कि अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। हालांकि पत्रकारों के सवाल पर अतीक अहमद खामोश दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद ने बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की प्रशासन से मांग की। एनकाउंटर फर्जी था या सही था? अशरफ कुछ बोलेंगे? जी जी बोलिए। अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले लिया, लेकिन गलत तरीके। अतीक और अशरफ पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पूछताछ में कई अहम राज सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। जिस प्रयागराज में अतीक और अशरफ का खौफ था, उसी प्रयागराज में अतीक और अशरफ के हाथों में हथकड़ी लगी दिखाई दे रही। फिलहाल माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है। आने वाले दिनों में अतीक और अशरफ के करीबियों पर शिकंजा कसा जा सकता है। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज स्टे। और आज प्रयागराज में असद को दफनाया जाएगा। इसी बीच अपने बेटे के जनाजे में शामिल होने के लिए अतीक अहमद ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। अतीक ने कोर्ट से असद के जनाजे में शामिल होने की अनुमति मांगी है और इस अर्जी पर आज सुनवाई की जाएगी। कल छुट्टी होने के चलते सुनवाई नहीं हो पाई थी। और झांसी में हुए असद और गुलाम के एनकाउंटर पर उठे सवालों पर पुलिस ने कहा कि कोर्ट के नियम के तहत और मानवाधिकार आयोग के निर्देश के तहत ही कार्रवाई की गई है। जबकि जेल में बंद अतीक अहमद को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, क्यों उसने अपने बेटे को अपनी दुश्मनी में ढकेला। झांसी में गुरुवार को हुए असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है कि एनकाउंटर कैसे किया गया। सियासी दलों ने भी सवाल उठाए। आपको बताते हैं कि एनकाउंटर की एफआईआर में पुलिस ने क्या क्या लिखा है। एफआईआर के मुताबिक इन दोनों के बड़गांव और परीक्षा के पास छिपे होने की खबर पुलिस को मुखबिर से मिली थी। ये जानकारी मिली थी कि दोनों बिना नंबर प्लेट की काली बाइक से भागने की कोशिश में हैं। दोनों को रोकने के लिए पुलिस ने ओवरटेक किया और बाइक को रोकने की कोशिश की थी। पुलिस को देखकर दोनों कच्चे रास्ते से भागने लगे। इस दौरान विमल कुमार सिंह की टीम ने उन्हें घेरा। भागने के दौरान दोनों की बाइक गिर गई। उन्होंने पुलिस को गाली देते हुए फायरिंग भी की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। दोनों की पहचान असद और मोहम्मद गुलाम के तौर पर हुई। दोनों को घायल हालत में अस्पताल भेज दिया गया। बाद में खबर मिली कि अस्पताल में दोनों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए कार्रवाई की गई है और मानवाधिकार आयोग के निर्देशों का पालन भी किया गया है। वहीं गुरुवार को जेल में अतीक अहमद से पुलिस ने कई सवाल पूछे, जिसमें अतीक ने बेबसी बताते हुए कहा कि मेरा परिवार तबाह हो गया है, हम मिट्टी में मिल गए, सब तो बर्बाद हो गया, अब बचा ही क्या है। इतनी प्रॉपर्टी के बावजूद अपनी औलाद को नहीं बचा पाया, हमारी वजह से सब खत्म हो गया, सब मेरी गलती है। असद की कोई गलती नहीं थी। जवान बेटों और भाइयों की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। दुनिया का सबसे बड़ा गम बुजुर्ग पिता के कंधों पर जवान बेटे का शव होता है। असद नहीं रहा, असद की अम्मी से हमें मिलवा दो। अब अतीक अहमद को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि उसने जुर्म की दुनिया में
अपने बेटे को नहा के धकेल दिया। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ।